हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रियलमी की यार सर्विस क्वालिटी या सर्विस सेंटर की जो बातचीत है वो कैसी रहती है। सो इस कारनामे को करने के लिए हमारे पास है रियलमी बड्स Q2 जो हो चुका है खराब। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो राइट वाला बड है उसमें आवाज़ थोड़ी सी कम आने लगी है। हम डायरेक्टली अब कॉल करते हैं रियलमी की सर्विस सेंटर को और जानते हैं कि वो इस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन देते हैं। स्पीकर पर डालते हैं फोन। अब जिन लोगों को नहीं पता Realme का ये है हमें जो चीज जाननी है वो नहीं पता चल रही। ये अपने ऑफर्स एंड सारी चीजें डील्स डिस्कस कर चुका है इतनी देर से। हमें खरीदना होगा, हम Amazon पे जाएंगे, यहाँ से नहीं खरीदूंगा मैं। आगे चलो। मोबाइल इंक्वायरी के लिए कृपया 1 दबाएं। नहीं, मोबाइल नहीं है मेरा। टीवी और IoT इंक्वायरी के लिए कृपया 2 दबाएं। वो भी नहीं है। के लिए तीसरी बार दबा रहा हूँ, तीसरी बार ये लो, दो दबा दिया मैंने। ओके, तो मेरे पास ना रियलमी बड्स Q2 है एंड जो इनका राइट साइड वाला ईयरबड है ना वो उसकी जो वॉल्यूम है ना वो थोड़ी लो हो गई है। वॉल्यूम कम हो गई है, साउंड कम हो गई है, साउंड कम हो गई होगी। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जी मैंने रीसेट कर लिया, उसका जो रीसेट बटन है मैंने कम से कम 5-6 बार रीसेट कर लिया। मेरे से ना परचेज डेट पूछ रहे हैं तो मैं ज़रा ऑर्डर्स में देख के बताता हूँ इनको। 30th June तो इन्होंने मेरे को होल्ड पे रहने के लिए बोला है, रहते हैं थोड़ी देर। हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। जी मैंने सब कुछ कर लिया। हाँ जी अभी भी कमी आ रही है। आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे विजिट कर लीजिए, वो आपको इसका रिप्लेस करके दे देंगे या फिर जो भी इशू होगा आपका वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और वो कोई ऑप्शन नहीं है पिकअप का, मतलब घर से पिकअप करके ले जाएं? नहीं सर, पिकअप का ऑप्शन नहीं है यार। और कंपनीज जैसे मैंने नॉइस के खरीदे थे वो तो पिकअप पूरा प्रोवाइड करते हैं। सर कॉल मी सर्विस मतलब अवेलेबल है लेकिन ओनली फॉर फोन। अच्छा, तो पिकअप सर्विस आपकी सिर्फ फोन्स के लिए अवेलेबल है? हाँ जी। ठीक है, तो ये एक्सेसरीज में नहीं आती पिकअप सर्विस? नहीं सर, इसके एक्चुअली में ना अभी इन्होंने जो मेरे सॉल्यूशन दिया है वो कह रहे हैं कि सर्विस सेंटर में जाओ, वहाँ जाके ये दिखाओ, डब्बा लेके जाओ, इनवॉइस लेके जाओ, सब कुछ लेके जाओ एंड वहाँ जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं सोच रहा हूँ चलते हैं एक बार सर्विस सेंटर है ना, आपको वहाँ का भी जरा नज़ारा दिखा देते हैं। बस फिर क्या था, हमने अपनी सवारी को निकाला एंड दिल्ली के थोड़े से खूबसूरत रास्तों पर होते हुए हम पहुंचे Realme के सर्विस सेंटर। एक खूबसूरत सा सर्विस सेंटर इन्होंने बना रखा था, हर एक सीटिंग के साइड में इन्होंने फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रखी थी। इट्स ग्रेट फ्रॉम Realme। जाते ही मुझे टोकन दे दिया गया था एंड आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि काफी भीड़ थी Realme की सर्विस सेंटर में। इतनी देर में सामने से आवाज आई, टोकन नंबर 56, जल्दी आओ। वहां पे बैठा मैं एंड सामने उन्होंने मुझसे सिर्फ चार चीजें पूछी, मेरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर एंड बर्ड्स में जो भी प्रॉब्लम है ये चार चीजें एंड इनवॉइस मांगा मुझसे ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद उन्होंने मेरी एक जॉब शीट तैयार करी एंड आप यकीन नहीं मानोगे विद इन 10 मिनट्स उन्होंने मुझे नया पीस भी प्रोवाइड कर दिया था, पैक कंडीशन में एकदम नया। मैंने वहां पे दोबारा अनबॉक्सिंग करी इसी की, ये देख सकते हो नया पूरा पॉलिथीन भी नहीं हटी है अभी। उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा साइड बैठ जाइए, इसको चेक कर लीजिए एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा फीडबैक प्रोवाइड करिए। हैट्स ऑफ टू Realme, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है। हालांकि थोड़ी सी मुझे यहाँ दिक्कत है कि अगर किसी का सर्विस सेंटर उसके घर से दूर है तो वो क्या करेगा Realme? आपने मेरे को कॉल पे ऑप्शन नहीं दिया आपको कुरियर करने का। ये तो मेरा इंसिडेंट था Realme के साथ। आपका इंसिडेंट क्या है आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर एंड अगर Realme के बारे में कुछ भी बुरा भी बोलना है तो बोलो यार, बिल्कुल बिंदास बोलो, सच्चाई बाहर आएगी कम से कम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।